जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप हैं, और पीछे वो संचार का पूरा तंत्र है जिस पर आप निर्भर हैं साधना करने के लिए। जो भी इस संचार माध्यम से आपके पास आता है, आप उसको ही साधना का विधान मानते हैं, इसी में डूबे रहते हैं। अंतोगत्वा ये होता है कि साधना करने में सक्षम साधक भी जहां उनको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इसका क्या कारण है? कभी भी किसी भी साधना में सफल होने के लिए या साधक को सफल होने के लिए खुद को जानना ज़रूरी होता है, और साथ में ये जानना ज़रूरी होता है कि उसकी उत्पत्ति क्या है और उसको कहाँ तक पहुँचना है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी। आज के डेट में पॉइंट ए का जिक्र कहीं नहीं है, मतलब आपकी उत्पत्ति का। दो लाइन में रुद्रनाथ जी ने बता दिया, शून्य शून्य महाशून्य, शून्य में एक ओंकार और सिद्धनाथ बिंदु पर करो विचार। तो ये समझ में आ गया कि शून्य मतलब अंधकार से हमारी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद क्या, अंधकार से जो आज आप एक व्यक्ति हैं जो YouTube पर बैठ करके साधनाओं का विवरण मेरे साथ सुन रहे हैं, ये व्यक्ति यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचा? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से, मतलब जो महादेव हैं उनसे शुरुआत हुई हम लोगों की। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो महादेव क्या है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो एक शक्ति है जिसके पास सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते, उनके बाहर कुछ नहीं है, सब उनके अंदर ही है। उनको शक्ति की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयंभू हैं, उसमें सब कुछ समाहित है। जब इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मतलब महादेव में एनर्जाइज कॉन्शियसनेस आया, मतलब शक्ति की अनुभूति हुई, मतलब आद्या शक्ति, तो एक सेपरेशन हुआ और ड्यूअलिटी जो द्वैत सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति हुई। जैसे नर मादा, दिन रात, अच्छा बुरा, ठीक है? तो सबसे पहले महादेव, महादेव का मतलब होता है जिसमें सब व्याप्त हो, जो घोर हो जाए, उसके बाहर कुछ है ही नहीं तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसमें आए एनर्जाइज कॉन्शियसनेस यानी शक्ति और शक्ति की समझ। जैसे ये शक्ति की समझ हो जाती है तो जो द्वैत सिद्धांत है ये शुरू हो गया, मतलब नर मादा दिन रात वो वाला कंसेप्ट। और जैसे ही ये कंसेप्ट शुरू हुआ तो फिर कॉन्शियस एनर्जी मतलब शक्ति प्रकृति ने फिर अपना स्वरूप दिखाया और भयंकर नाद हुआ, ठीक है? महादेव से जैसे ही शक्ति अलग हुई तो शक्ति ने खुद को समझा और भयंकर नाद हुआ। जब ये नाद हुआ ना तो ओमकार नाद भी इसको कहते हैं, अक्षर नाद भी कहते हैं, है ना? तो इससे तीन चीज़ों की उत्पत्ति हुई। किन चीज़ों की? एक तो बिंदु, एक नाद और एक बीज का, ठीक है? ये समझने वाली बात है, हर साधक को ये समझना चाहिए, जानकारी उनके पास होने चाहिए। जैसे जो मंत्र, एक मंत्र है साबर में, पूरा नहीं बताऊंगा, नादे बिंदु योगेश्वर तीनों एक स्वभाव, ठीक है? तो बिंदु जो है वो अक्षर ज्ञान है, बिंदु मतलब वो केंद्र है, अक्षर ज्ञान, उसमें ही ज्ञान आता है, उसमें ही बुद्धि आती है और उसमें ही माइंड आता है, मानस जिसको कहते हैं, मानस पटल, ठीक है? तो बिंदु, उसमें आया ज्ञान, फिर ज्ञान में बुद्धि, बुद्धि में फिर दिमाग या मानस, ठीक है?
जो नाद हुआ उसमें शिव और शक्ति आई, और फिर उससे आगे बढ़ के हुआ तमस। तमस का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों को समझाया गया आज के डेट तक कि तमस का मतलब होता है तामसिक। तमस का मतलब तामसिक नहीं होता, तमस का मतलब होता है इनर्शिया। जो मूवमेंट है वही तमस है, जो गतिशील है वो तमस है। तो तमस का मतलब आग, ठीक है। और ये आगे चल के पंच महाभूत में बट गया, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में, ठीक। और नाद से जो तीसरे चीज की उत्पत्ति हुई वो था बीज अक्षर का, ठीक है। तो बिंदु से जो सबसे पहला गुण जो पैदा हुआ वो हुआ सत्व का, मतलब सात्विक, ठीक है। तो सात्विक का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। फिर नाद से पैदा हुआ तमस, तामसिक, जिसका मतलब होता है जो गतिमान है। और जो बीज है, जो बीज अक्षर हम कहते हैं, उससे शुरू हुआ रजस। रजस का मतलब क्या होता है कि वो इच्छा शक्ति, ठीक है। और फिर जो उस इच्छा शक्ति से आपके सेंस ऑर्गन, मतलब कि कान, स्किन, आईज, टंग, नोज, जिससे कि आप अपने आसपास के प्रकृति को समझते हैं, वो पैदा हुआ। और ऑर्गन ऑफ एक्शन, मतलब मुंह से आप बोल सकते हैं, हाथ से आप काम कर सकते हैं, तो वो सारे पैदा हुए, समझ गए। तो ये सिद्धांत दिमाग में क्लियर होना चाहिए। महादेव, महादेव में जैसे ही शक्ति की अनुभूति हुई तो शक्ति और महादेव अलग हुए, मतलब महादेव और महाकाली अलग हुए, ठीक है। और उसके बाद दोनों के मिलन से जो कॉन्शियस एनर्जी है उससे भयंकर नाद हुआ, ओमकार नाद जिसको कहते हैं। इससे तीन चीज पैदा हुआ, क्या क्या, एक तो बिंदु, एक तो नाद और तीसरा बीज। बिंदु जो है, बिंदु से ही सात्विक गुण की उत्पत्ति हुई जो पूर्ण ज्ञान है। नाद से तमस तामसिक गुण की उत्पत्ति हुई। तामसिक का मतलब मीट मछली का भक्षण नहीं, मतलब जो भी गतिशील है वो नाद से पैदा हुआ, तामसिक। और बीज का मतलब होता है कि आपकी इच्छा शक्ति, और उस इच्छा शक्ति से जो मैनिफेस्टेशन हुआ था उसमें सोचने, समझने, सीखने, देखने, बोलने और एक्शन करने की सारी विद्याएं आई, ठीक है। तो ये पहली चीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए। ये जो कथा है, ये कथा हुई आपकी उत्पत्ति की। महादेव, महादेव में कॉन्शियस एनर्जी की समझ, महाकाली और महाकाल के अलग होना, फिर दोनों का जुड़ाव होना, भयंकर नाद होना, उसका सात्विक गुण, रजस गुण और तामसिक गुण का पैदा होना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ उससे आप विकसित हुए। अब आपको खुद को समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, हम लोगों के पास क्या क्या है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोगों को कंट्रोल करना होता है। हमारे पास 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन है, ठीक है, मतलब जिनसे हम कुछ क्रिया करते हैं। और 4 हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स है। ये टोटल मिला के 5, 5, 10 और 4, 14 ऑर्गन हमारे शास्त्रों के हिसाब से है जिन पर हम लोगों को संयम करना चाहिए एक साधक को। क्या है तो 5 सेंस ऑर्गन्स आप सभी जानते होंगे, ईयर, सुनने की क्षमता, स्किन, अगर हम ध्यान में बैठ गए तो सुनने की क्षमता, स्किन मतलब छूने से पता चलना, आईज मतलब दिखना, टंग मतलब टेस्ट और नो स्मेल, ये सारा सिस्टम शट डाउन हो जाना चाहिए। आपको अपने आसपास में क्या गतिविधि हो रही है ये नहीं पता होना चाहिए अगर आप ध्यान कर रहे हैं। फिर 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन बोलते हैं, मतलब पहला है मुख जिससे आप बोलते हैं, हाथ जिससे आप किसी चीज़ को थामते हैं, फीट जिससे आप चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मलमूत्र का द्वार, ठीक है, और उसके बाद जेनाइटल जिससे कि आपका जनरेशन आगे बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों पे पूरा संयम हो जाना चाहिए अगर आप साधक हैं तो, जितना प्रयोग उतना उपयोग, ठीक है। और 4 इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनको आपको डेवलप करके और कंट्रोल करना होता है। तो क्या है ये 4 इंटरनल ऑर्गन, ये साइंस नहीं बोलता है, ये अध्यात्म बोलता है कि 4 इंटरनल ऑर्गन्स में आपका सबसे पहला आता है अहंकार। अहंकार मतलब ईगो,
मतलब मेरी पहचान मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये अहंकार है। दूसरा है चित्त, चित्त का मतलब होता है आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी, ठीक है, इसको डेवलप करना होता है। चौथा है बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि का मतलब सोच समझने की शक्ति नहीं होता है, बुद्धि का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को समझ पाएं। और चौथा है मानस, मानस मतलब किसी चीज़ को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना, उसमें रह के उसको सूझबूझ के साथ समझ जाना, ठीक है। तो ये 14 चीज़ हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अपने जीवन में, अगर आपको साधक बनना है तो। जब आप एक साधक होने से एक तंत्र साधक होने की तरफ बढ़ जाते हैं, तो फिर कुछ और चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान होना चाहिए। वो 6 ऐसे आयाम हैं जिसका आपको अनुपालन करना होगा। क्या है? सबसे पहला दक्ष बोलते हैं, दक्ष का मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस, जो आज ये कम्युनिकेशन की दुनिया में जो भेड़ चाल साधक चल रहे हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया और वही कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी को भी, एक साधक को समझ होनी चाहिए आध्यात्म की शक्तियों की और फिर उसके साथ कैसे जिया जाता है। दूसरा जो आप लोगों को जानना चाहिए वो है जितेंद्रिया, मतलब जो 5 सेंसेस को मैंने दमन करने बोला था, उसको कंट्रोल करना। एक तो दमन करना, एक कंट्रोल करना, ध्यान के समय आप उसका दमन कर देते हैं, मतलब कि वो साधना के समय आपको पता भी नहीं चलता है कि अगर आपके बगल में कोई बोल रहा हो, आपके आसपास से कोई गुजर रहा हो, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन उसी 5 सेंसेस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना कि अगर ठंड है तो मुझे बहुत ठंड नहीं लगेगी, बहुत तेज़ अगर बगल कोई कहीं गाना बज रहा है तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा। तो उस तरीके से अपने 5ों इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है, ठीक है। सर्व हिंसा विनिर्मुक्ता, मतलब किसी भी तरीके के हिंसा से आप बचेंगे। आज मैं किसी को बता भी रहा था हिंसा के बारे में, हिंसा किसको कहते हैं। हम बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि शेर हिंसक जानवर है क्योंकि वो हत्या करके खाता है, लेकिन जो महादेव महाकाली ने शेर को बनाया, उसको इस लायक ही नहीं बनाया है कि वो साग सब्जी खा सके। तो भोजन के लिए जब वो किसी की हत्या करता है तो क्या वो वॉयलेंस की श्रेणी में आता है, हिंसा की श्रेणी में आता है? तो नहीं। हिंसा किसको कहते हैं? हिंसा कहते हैं जब आप क्रोध में किसी का अहित करो। हिंसा होने के लिए क्रोध होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है दुनिया में सबकी आप भलाई चाहो। पांचवा है शुद्धता बरतना। और अंतिम है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो साधना कर रहे हैं, जो आप तंत्र कर रहे हैं, वो तंत्र फलित होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बताया है, आप देख लेते हैं कि करके कि ये होना है कि ये नहीं होना है, वैसा अगर करेंगे तो आपको तंत्र मार्ग में कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये सारे नियमों का जब आप पालन कर लेते हैं तो एक और बहुत मुख्य आयाम आता है, वो होता है गुरु चुनने का। तो अभी या ऐसा पहले भी होता रहा है कि लोग गुरु चुनने में बहुत हड़बड़ा जाते हैं, तो गुरु कभी भी हड़बड़ा के ना चुने, और एक बार चुन लिया तो वही गुरु रहता है आजीवन, ये सोच करके चले। गुरु अच्छा हो बुरा हो वही गुरु रहेगा। सबसे पहली बात कि आप जब किसी की तरफ आकर्षित होते हैं उसको गुरु बनाने के लिए, तो चाहे तो आप खुद हल्के हैं तो आप किसी हल्के व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, या फिर आप किसी का गुण देखते हैं और फिर उससे जुड़ते हैं। गुरु से आज के डेट में लोग क्यों विमुख होते हैं? एक कि गलत गुरु चुन लिया, गुरु को कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ हाई फाई दे करके आपका गुरु बन जाता है। दूसरा कि अगर कोई भी गुरु होता है तो उसके विरोध में कई लोग होते हैं। एक श्लोक है, मुंडे मुंडे मतिर्भृन्ना, मतलब जितने आपके आसपास सर होंगे उतने ज़्यादा ओपिनियन होगा।
तो अगर आपके कोई गुरु हैं, आपका मत उनके बारे में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे दुनिया का मत उनके बारे में वैसा ही हो। ठीक है, तो पहला तो गुरु को अपने हैसियत के हिसाब से चुने, अपने साधना के स्तर के हिसाब से चुने, और एक बार चुन लिया तो उसको आपको निभाना चाहिए। तो कितनी सारी बातें हैं जो आज हमने सीखी। एक सीखी कि कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद हमने जाना कि टोटल 14 ऑर्गन्स हैं, जिसमें 5 सेंस ऑर्गन है, 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन है और 4 इंटरनल ऑर्गन है। इनका हम लोगों को दमन करना चाहिए, और 6 ऐसी हम साधकों में क्वालिटी होनी चाहिए जिसको उभार करके वो पूर्ण रूप से साधक बन सकते हैं। और अंतिम बात जो हमने सीखी कि गुरु ध्यान से चुनेंगे, और एक बार जब गुरु धारण कर लिया तो वही गुरु रहेगा, चाहे आपके अलावा दूसरे पूरे दुनिया का मत कुछ भी बोले। आज के लिए इतना ही। आज का ये जो 17 मिनट का व्याख्यान था, इसको सुन के आप बेहतर साधक बनेंगे, ऐसी मेरी कामना है। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको साधना का बेसिक सीखना, शुरुआती आयाम सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए वाल्मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी होने पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, 9431188585 के नंबर है। साधकों के आर्टिकल्स और मेरे भी आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए www.agurtantrahasya.com पर लॉगिन करें। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी को सुखी रखे, ऐसी मेरी कामना। आप सभी को आदेश आदेश, चला खादेश।